नमस्कार दोस्तों, उत्तरी विधानसभा के लिए बसपा कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है और सब समाज के लोग यहां इस समय मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि इस बार जो बसपा ने जो कैंडिडेट उतारा है सपर अब्बास के रूप में, वो कितने प्रभावी इस बार जो है उत्तरी विधानसभा में साबित होंगे। चलिए जानते हैं। क्या नाम भैया? सर जी मुख्य सचिव जी। आज जो है बसपा कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और बसपा पार्टी ने जो है सपर अब्बास जी को टिकट दिया, तो कितना लग रहा है आपको, कितने मतलब किस तरीके से उनकी जीत होगी? देखिए, आज उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी भाई सब्बीर अब्बास जी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इस उद्घाटन के अवसर पर जिले के सभी हर समाज के सम्मानित या जिम्मेदार साथी मौजूद हैं। हम लोगों को पूर्ण रूप से ये विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी, जिसका खाता आज तक उत्तर विधानसभा में नहीं खुला है, उत्तर विधानसभा को भाई सब्बीर अब्बास जी के सहयोग से और सभी भाइयों के सहयोग से जीतने का काम करेगी। जी, क्या चुनौतियां रहेंगी उनके सामने? देखिए, चुनौतियां हमारे सामने कुछ नहीं हैं। हम सीधे सीधे जनता के बीच में हैं, जनता के सामने हैं, जनता से निवेदन कर रहे हैं, जनता से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज जो वर्तमान में सरकार है वो किसी भी तबके के लिए सही सरकार नहीं है। चाहे विकास की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे गरीबी की बात हो, चाहे भुखमरी की बात हो, देश आज पूर्ण रूप से देश और प्रदेश गड्ढे में है। इसलिए हमें अपने प्रदेश को अगर एक सही राह पर, विकास के पथ पर ले जाना है, तो हमें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश में पुनः पाँचवीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। जी, इसके अलावा क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनावों में, जो आप जनता के बीच जाएंगे तो क्या वादे करेंगे जनता से? देखिए, जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं वही हमारे वायदे हैं। हम लोग गलत वायदे नहीं करते कि किसी को 15 लाख दे देंगे या 50 लाख दे देंगे या ये दे देंगे वो दे देंगे। जनता की जो मूलभूत समस्याएँ हैं, जैसा BSP के पिछली सरकारों में रहा है, चाहे गरीब के पास आवास नहीं था तो माननीय बहन जी ने गरीब को आवास दिया और निःशुल्क आवास देने का काम किया है। इसलिए रही विकास की बात, सोशल स्ट्रक्चर की बात या सामाजिक भाईचारे की बात, तो बहुजन समाज पार्टी हर जाति, हर समाज, हर धर्म के लोगों में सामाजिक सद्भाव कायम कर अपनी जीत को आगे बढ़ाने का काम करेगी। देख सकते हैं कि कितना उत्साह है इन लोगों में और इन्होंने साफ कह दिया है कि उत्तरी विधानसभा में इस बार सब्बीर अब्बास जो है जीत कर आ रहे हैं और साथ ही इनसे भी जानेंगे। जी चाचा, क्या लग रहा है आपको, इस बार सब्बीर अब्बास को बसपा ने टिकट दिया है, क्या आपके समाज का वोट मिल पाएगा सब्बीर अब्बास को? देखिए, सबसे पहले तो हम बहन जी के बहुत शुक्रगुजार हैं जी, जो कि एक यहाँ पे आगरा में एक मुस्लिम कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दिया जी। दूसरी बात ये है कि हर समाज में, हमारी मुस्लिम समाज में और जो दीगर समाज हैं यहाँ पे, जो जिनका वोट है उन सबका वोट मिलेगा हमें जी। ये हमें उम्मीद है और उनके लिए, सबके लिए सब्बीर अब्बास जी काम करेंगे बढ़िया तरीके से जी। आपका समाज तो ज़्यादातर वोट देखा जाता है कि सपा को सपोर्ट करता है, तो आपको कितना लग रहा है कि इस बार जो है सब्बीर अब्बास को आपके समाज का लोग वोट डालेंगे? देखिए, सब्बीर अब्बास को अभी यहाँ उत्तरी विधानसभा में समझे 101% वोट डालेंगे जी। मुस्लिम समाज समझे, सपा को करता है वो अलग बात है, सपा ने कौन सी आज तक तीर मार दिया है मुसलमानों के लिए, क्या कर दिया सपा ने ये बताइए। बसपा करेगी मुसलमानों के लिए? नहीं, बसपा ने तो कराया, पहले भी कराया, अभी भी इतने टिकट दिए हैं बहन जी ने मुसलमानों को, और किसी पार्टी ने तो दिए नहीं है। तो आप अपने समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो समाज के लोगों से यही अपील कर रहे हैं घर घर जाके कि सब्बीर अब्बास जी को वोट दीजिए, और हमारी समाज में हम ऑल मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि एक अब्बास समाज के लिए करें समझे, उससे कुछ नहीं हो रहा। हम मुस्लिम समाज, जो भी मुस्लिम समाज हैं और दीगर कौम हैं, हमारे साथ जाटा भाई हैं मिले हुए हैं समझे, और दीगर कौम हैं, वो सब हमारा सपोर्ट करेंगी, हमें ऊपर वाले पे भरोसा है जी। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं इन्होंने साफ कर दिया है कि हमारे समाज, मुस्लिम समाज के चाचा थे, उन्होंने कहा है कि हमारे समाज के लोग सब्बीर अब्बास को एकजुट होकर वोट करेंगे। भाई साहब से भी जानेंगे। जी भाई साहब, आपको लग रहा है कि आज बसपा कार्यालय का उद्घाटन हुआ है जी जी, और प्रत्याशी जो है सब्बीर अब्बास के रूप में बहन कुमारी मायावती हैं, उन पर
जिम्मेदारी दी है कि और उनको विश्वास जता है, तो आपको कितना लग रहा है कि किस हद तक वो जीत पाएंगे? देखो, आज उत्तरी विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन के समय पर जी आपने देखा होगा कि समाज की जो संगठन है वो दिखाई देता है। दूसरा ये है कि आपने देखा कि आगरा में अभी तक किसी भी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिया, लेकिन बहन जी ने जब ये पता चला कि आगरा में कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है तो उन्होंने अपनी प्रत्याशी को हटा करके, और बहुत सीनियर हैं कांग्रेस में, 35 साल से राजनीति कर रहे हैं, सभी अब्बास जी को उत्तरी विधानसभा प्रत्याशी बना करके भेजा है। तो इससे एक संदेश है कि बहन जी जानती हैं कि हमें सब धर्म सब समाज की बात को लेकर चलना है। तो इसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि पहली बार बहुजन समाज पार्टी उत्तरी विधानसभा पर जीत रही है। देख सकते हैं किस तरीके से उत्साह है, और साहब कह रहे हैं कि इस बार उत्तरी विधानसभा में बसपा पार्टी जीत सकती है। इन भाई से भी जानेंगे। जी भाई, क्या लग रहा है आपको उत्तरी विधानसभा पर इस समय? बहुत बहुत धन्यवाद मैं मीडिया के प्रभारियों को, और जहाँ तक है कि आज तक जो भी बसपा ने ये दिया है, सब समाज और सब वर्गों को लिया है और सभी को सम्मान देने का काम किया है। बहन जी किसी के सम्मान में नहीं 2007 में कमी की है, और ना ही आने वाली 22 में कभी करेंगी। और आने वाले टाइम पर जो अपनी 9 की 9 विधानसभाएं हैं आगरा मंडल से, सारी की सारी 9 विधानसभाओं पर सभी जातियों के लोग खड़े हुए हैं प्रत्याशी, और सभी को जिताने का काम करेंगे, और जहाँ तक है कि यूपी का बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में जो उत्साह है उससे साफ जाहिर होता है कि उत्तरी विधानसभा पर जो बसपा के प्रत्याशी हैं, और जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस समय मजबूत कैंडिडेट के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। अब देखने का विषय ये क्या 10 फरवरी को जो मतदान होना है, क्या उसके अंदर जो है जो बातें लोग जो कर रहे हैं क्या उस पर खड़े उतर पाएंगे? साथ ही हमारे बीच जो है प्रत्याशी भी इस समय आ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे। वैसे क्या मुद्दे रहेंगे, आज आपके कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है, और क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दों को लेकर आप जो है जनता के बीच जाएंगे? देखिए, इतनी असफलताएं हैं भारतीय जनता पार्टी की कि वो गिनाने के लिए अगर बैठ जाएं तो मैं समझता हूं कि 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे। मतलब चाहे वो कोई भी समस्या हो, सड़क की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, इतना झूठ बोला है इन्होंने जनता के सामने, और वो भी ऐड दे करके जो हमारी गाड़ी कमाई है पब्लिक की, 5,000 करोड़ रुपया इन्होंने ऐड के ऊपर, उत्तर प्रदेश में काम आगरा में हुआ है उसका ऐड महाराष्ट्र में छप रहा है, तो इन लोगों ने जो बर्बाद किया है गाड़ी कमाई जनता की, उसका जवाब जनता मांग रही है इनसे। और मैं समझता हूँ कि मतलब के जैसे आप मान लीजिए इनका सबसे बड़ी झूठ कि इन्होंने महंगाई कम करने की बात की। अब महंगाई गैस का सिलेंडर 400 का 1,000 रुपये का, प्लेटफॉर्म 10 रुपये का, 2 रुपये का, 20 रुपये का, तो इन्होंने चाहे वो पेट्रोल है 60 रुपये की लीटर वाला, 100 रुपये का, तो जनता सब जानती है जनता। हाँ, उत्तरी विधानसभा की जनता ये पूछ रही है, जो वर्तमान पूर्व में विधायक रहे वहाँ की जो विकास की स्थिति है समय बहुत ख़राब है, क्या आप उनकी जो वादे हैं उन पर खड़े उतरेंगे और उनका काम कराएंगे विकास? मैंने 30 साल मैंने यही काम किया है, अब तो मैं MLA का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं इससे पहले अगर मैंने सेवा जो की है वो इस स्वार्थ से नहीं की थी कि मैं MLA बनूंगा, MP बनूंगा, मंत्री बनूंगा, वो सेवा जो है वो मेरी जनता ने देखी है। आधी रात हर इंसान के सुख दुख में मैं साथ रहा हूँ, और ये मेरा संकल्प भी है कि मैं हमेशा जनता के सुख दुख में साथ रहूं, और इसी में मेरा जीवन जाए, ऐसी मैं भगवान से और अल्लाह से दुआ भी करता हूं। जी, इसके साथ साथ आज सब समाज के लोगों को आपने बुलाया यहां पर उद्घाटन में, तो कितना जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, कितना लोग जुड़ रहे हैं सभी समाज के? देखिए, आप आज जनसमूह को देख के खुद देख सकते हैं कि इसमें हर वर्ग का लोग, हर समाज का लोग शामिल हैं। तो ये वर्ग को बांटा, आज उन्होंने जो खाई बांट दी थी वर्गों को बांट दिया था, आज हम लोग उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं, और उसकी मिसाल आज इस कार्यालय के उद्घाटन में मिली है कि सभी समाज के लोग यहाँ एकत्रित हैं और चाहते हैं कि हम सब लोग मिलके काम करें और मिलके आगे बढ़ें, और हम देश को भी आगे ले जाएं और प्रदेश को भी आगे ले जाएं। इस बार आप जीत रहे हैं? बिल्कुल 100% कोई मुकाबला नहीं है, और मैं समझता हूँ कि प्रचंड बहुमत से मेरी जीत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, देख सकते हैं आप किस तरीके से, और बसपा के प्रत्याशी उत्तरी विधानसभा सब्बीर अब्बास से हमारी बात हुई, उन्होंने अपने जो मुद्दे हैं उसके बारे में बताया, और उत्तरी विधानसभा की जो जनता इस समय जो परेशान है विकास को लेकर, उसको लेकर भी उन्होंने चर्चा की। लाइव एक्सप्रेस के लिए हैदर अली की रिपोर्ट, आगरा।